रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे तो जाता नहीं कोई। हाल ही में समाचार मिला कि सुशांत सिंह राजपूत, जो कि एक मशहूर अभिनेता थे, कई फिल्मों में काम किया था, उन्होंने सुसाइड कर लिया। वो तनाव में थे, डिप्रेशन का उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि उन्होंने किन कारणों से इतना बड़ा कदम उठाया, लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ कि समाज में किसी ने परेशानियों के चलते, मुश्किलों के चलते इतना बड़ा फैसला लिया, इतना बड़ा कदम उठाया। आज मैं अपने इस वीडियो में इसी विषय पर आपसे बात करना चाहती हूँ। दोस्तों, एक ऐसा इंसान जिसके पास नेम, फेम सब कुछ है, उसके बावजूद उसको तनाव है, परेशानी है और वो सुसाइड करने का कदम उठा लेता है। कई ऐसे लोग हैं जो हालातों से समझौता नहीं करते और अपनी ज़िंदगी को ही ख़त्म करने का निर्णय ले लेते हैं। आखिर ऐसी कौन सी परेशानियां हैं, ऐसे कौन से तनाव हैं जिनके चलते इतना बड़ा कदम उठाने का फैसला लेना पड़ता है। आज हम उन पहलुओं को जानेंगे कि एक इंसान जो आत्महत्या करने की ठान लेता है, आखिर वो कौन सी मनस्थिति से गुजरता है, उसकी जो सिचुएशन होती है वो क्या होती है। बचपन से ही हम किताबों में पढ़ते हैं कि असफलता सफलता की सीढ़ी होती है, लेकिन असल ज़िंदगी में जब असफलता मिलती है, हार मिलती है, तो उसको फेस करना बहुत मुश्किल होता है। और बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो उस असफलता को अच्छी तरह से स्वीकार करते हैं। ज़्यादातर लोग उस असफलता को पाकर एकदम बौखला उठते हैं। वो ये नहीं सोचते कि इस असफलता के पीछे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से मुझे असफलता मिली है, बल्कि वो उस असफलता को इस तरीके से लेते हैं कि तनाव का शिकार हो जाते हैं। और धीरे धीरे ये तनाव इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो आत्महत्या का कदम उठा लेते हैं। न्यूज़पेपर में, न्यूज़ चैनल में कई ऐसी न्यूज़ आती है कि रिज़ल्ट आने के बाद जो बच्चे पास नहीं हो पाए, उनमें से कुछ उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। 10th का रिज़ल्ट आने के बाद, 12th का रिज़ल्ट आने के बाद कई बच्चे ऐसे हैं जो सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि वो उस असफलता को स्वीकार नहीं कर पाते। वो ये मान ही नहीं पाते कि मैं फेल हो चुका हूँ, या फिर वो उस असफलता को लेकर अपने पेरेंट्स को फेस नहीं करना चाहते, क्योंकि उन पे इतना ज़्यादा प्रेशर होता है पास होने का, अच्छे मार्क्स लाने का, कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है। ये एक अलग विषय है, मैं बहुत जल्दी इस विषय पर भी एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, हम इस पर एक अलग वीडियो में बात करेंगे। फ़िलहाल हम इसी विषय पर बात करेंगे कि आखिर ज़िंदगी में जब असफलता मिलती है, हार मिलती है, तो कैसे उसका सामना करें। स्पेशली मैं जो स्टूडेंट्स हैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि यदि आप किसी विषय में सक्सेस नहीं हो पाए हैं, पास नहीं हो पाए हैं, तो सबसे पहले तो उस रीज़न को जानने की कोशिश कीजिए कि वो कौन से कारण थे, कौन से रीज़न थे जिनकी वजह से आपको सक्सेस नहीं मिला, बजाय इसके तनाव करने के, ये सोचने के कि नहीं मैं अपनी ज़िंदगी को ही ख़त्म कर लूँगा। ये इस बात का सॉल्यूशन नहीं है। आप ये पता करने की कोशिश कीजिए कि आप असफल क्यों हुए। आई एम श्योर अगर आप सही कारणों को जान लेंगे तो अगली बार आपको 100% सफलता मिल जाएगी। तनाव आता कैसे है? जब हम किसी काम की शुरुआत करते हैं तो निश्चित तौर पर उसमें पहली या दूसरी बार में सफलता नहीं मिलती। किसी भी काम में सफलता पाने के लिए बार बार कोशिश करना पड़ती है, उसके बाद ही आपको सफलता मिलती है। मेहनत करना पड़ती है, सही तरीके से स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है, बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें सफलता निर्भर करती है। चाहे वो पढ़ाई हो, या फिर कोई प्रोजेक्ट हो, किसी कंपनी में काम करना हो, या कोई भी नया काम शुरू करना हो, किसी भी काम के लिए सबसे पहले आपको सही रणनीति बनानी होगी, उसको समझना होगा, मेहनत करनी होगी, सही तरीके से कोशिश करना होगी, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी।
लेकिन हम ये करते हैं कि हम उस सफलता को नकारात्मक रूप से लेते हैं और तनाव करते हैं, और वो तनाव धीरे धीरे इतना बढ़ जाता है कि हम अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने का फ़ैसला कर लेते हैं। दोस्तों, ये वीडियो बनाने के पहले मैंने कुछ आत्महत्या के सुसाइड केस पर स्टडी की और ये जाना कि कुछ ऐसे रीज़न होते हैं जिनकी वजह से व्यक्ति इतना बड़ा कदम उठा लेता है। फाइनेंशियल कंडीशन जब अचानक से किसी इंसान की ख़राब होने लगती है, अचानक से जब उसमें उतार चढ़ाव आता है, जब क्राइसिस आता है, तो इंसान उसको फेस नहीं करता। उसको लगता है कि अब तो मैं अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाऊँगा, कर्ज लिया है उस कर्ज को चुका नहीं पाऊँगा। तो बजाय उसका सॉल्यूशन निकालने के, उपाय निकालने के, वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने का फ़ैसला ले लेता है। वो ये नहीं सोचता कि मेरे इस फैसले के बाद मेरे परिवार का, मेरे अपनों का क्या होगा, जो मैंने कर्ज लिया है मेरे परिवार वाले कैसे उसको चुकाएंगे। बजाय उसके सॉल्यूशन को निकालने के, उसे लगता है कि सुसाइड करना ही एक सही तरीका है और यही एक अंतिम उपाय है। कई बार कुछ लोगों को परिस्थितियाँ कुछ ऐसे निर्मित हो जाती हैं कि उन्हें लगता है कि उनका नाम खराब हो चुका है, उनकी इमेज खराब हो चुकी है, और वो उसके चलते इतना ज़्यादा तनाव में आ जाते हैं कि वो सोसाइटी का, समाज का सामना नहीं करना चाहते। वो उस परिस्थितियों से भागने लगते हैं और उन्हें लगता है कि सुसाइड कर लेना ही अब एकमात्र उपाय है, क्योंकि मेरी जो इमेज है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है, मेरा नाम खराब हो चुका है। बजाय इसके उन्हें ये सोचना चाहिए कि ये जो इमेज है, ये जो नाम है, ये किसने बनाया है। उनकी खुद की इमेज, उनके खुद के नाम को कोई और कभी भी ख़राब नहीं कर सकता। यदि आपने कोई गलती कर भी ली है तो उस गलती को एक्सेप्ट करिए और अपनी गलती को सुधारने की कोशिश कीजिए, और किसी और की वजह से कभी भी आपकी इमेज या आपका नाम खराब नहीं हो सकता। कई बार इंसान को जो उसका अंदर का गिल्ट होता है वो इतना ज़्यादा सताता है कि उसे लगता है कि अब तो सुसाइड करना ही एकमात्र उपाय है, क्योंकि वो उस गिल्ट को दिन रात सोचता है। उसे लगता है कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पहली चीज़, यदि आपने कोई गलती कर ली है और आपको उसका एहसास हो गया है तो यही काफ़ी है, और यदि कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है, अपराध हो गया है, तो उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसको समाज के सामने स्वीकार कीजिए कि मुझसे ये गलती हुई है, और यदि उसके लिए कोई सज़ा है तो सज़ा को भुगतने का साहस दिखाइए। ये नहीं कि आप अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लें और अपने पीछे से अपने परिवार वालों को, अपनों को परेशानी दें। बजाय उसके उसको एक्सेप्ट करने का साहस दिखाइए। सकारात्मक सोच, अपनों का साथ और साहस, मुश्किलों का सामना करने का जज्बा, ये जो कीवर्ड्स हैं ना दोस्तों, इनके साथ आप अपनी ज़िंदगी में सारी मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। आपके अपने आपके साथ खड़े हैं, आपके अंदर वो जज्बा है, वो हौसला है कि चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ हों, चाहे जो भी मुश्किलें आएँ, मैं इन मुश्किलों का सामना हंसकर करूँगा, तो आपकी मुश्किलें भी धीरे धीरे कम हो जाएंगी। कभी भी किसी भी परिस्थिति में ये फैसला लेना कि मैं इस ज़िंदगी को ख़त्म कर लूँगा या ख़त्म कर लूँगी, ये किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। दोस्तों, ईश्वर ने जो ज़िंदगी हमें दी है वो बहुत खूबसूरत है। मैं चला जब सामने दीवार सी दुनिया खड़ी थी, और मैं हंसा जबकि बनी थी आँख सावन की झड़ी थी। उस समय भी मुस्कुराकर गीत में गाता चला था, जबकि मेरे सामने ही लाश खुद मेरी पड़ी थी। दोस्तों, ये हौसला, ये जज्बा अगर आप रखेंगे कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे जो मुश्किल आ जाए ज़िंदगी में, मैं उसका सामना डट कर करूँगा, मैं तैयार हूँ हर परिस्थिति से निपटने के लिए, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूँगा, मैं किसी भी असफलता को पाकर निराश नहीं होंगी, मैं हर असफलता का हंसकर सामना करूँगी, अपनी कमियों को दूर करूँगी और इस ज़िंदगी को बहुत अच्छे से जीऊँगी। दोस्तों, ईश्वर का धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने हमें इतनी खूबसूरत, इतनी अच्छी ज़िंदगी दी है। अभी लॉकडाउन चल रहा है, वैसे भी बहुत सारे लोग बहुत सारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन इन परेशानियों में, इन परिस्थितियों में भी हमें हौसला रखना है, डट कर इसका सामना करना है। कोरोना वायरस से तो हम लड़ ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हमें हर परिस्थिति से लड़ने के लिए खुद को तैयार करना है।
सकारात्मक सोचिए, खुश रहिए और हौसले और जज्बे के साथ, साहस के साथ जिंदगी को जिए, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी भी कह सके कि हमने जो ज़िंदगी जी वो बहुत हौसले और बहुत साहस के साथ जी, और हम एक उदाहरण बन सके इस सोसाइटी के सामने, इस समाज के सामने। दोस्तों खुश रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। आपको मेरे ये वीडियो कैसे लगते हैं, आप क्या सुझाव देना चाहते हैं, क्या बदलाव चाहते हैं, ये सभी बातें आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो की जानकारी मिल सके। अगले विषय और अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।